फर्स्ट फिनाले के बाद से शहनाज का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। जिन दोस्तों के पास शहनाज रहती थी, उनके साथ अपना पूरा टाइम स्पेंड करती थी, ये दोस्त हमेशा शहनाज को सपोर्ट भी करते थे, जिसमें शामिल हैं आसिम, आरती और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला, जिनको शहनाज अपना हीरो मानती है। लेकिन आज वही शहनाज अपने हीरो की सभी घर वालों के आगे जमकर बेइज्जती करती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, आज शहनाज उन्हीं दोस्तों को छोड़कर अपने पहले वाले दोस्तों के पास चली गई है, जिस वजह से सिद्धार्थ काफी ज्यादा टेंस्ड नजर आ रहे हैं। जिस तरह शहनाज अब घर वालों के सामने सिद्धार्थ का मजाक उड़ा रही हैं और सिद्धार्थ को धोखेबाज और ऐसा सब कुछ बोल रही हैं, ये सब शहनाज की हरकतें सिद्धार्थ को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इसी वजह से हिंदुस्तानी भाऊ भी शहनाज को बहुत समझाते हुए नजर आए। भाऊ ने शहनाज से कहा कि ये वही सिद्धार्थ है जिसने तेरे को अपनी छोटी बहन की तरह हमेशा सपोर्ट किया। ठीक है यार, मजाक करो, लेकिन इस हद तक मजाक करना अच्छा नहीं है। किसी को इतना हर्ट मत करो अपने मजाक से कि वो इंसान टूट जाए। अपने इस मजाक की वजह से इतना मत गिरो कि तुम बाहर जाकर मुंह भी ना देख सको और एक दूसरे को अपना मुंह भी ना दिखा सको। भाऊ की इस बात को शहनाज सुनकर इमोशनल सी हो जाती है और उनके दोस्त भी ये सब सुनकर इस बात को फील करते हैं। पारस तक इस बात को लेकर थोड़ा सीरियस सा नजर आता है। शायद शहनाज अब इस बात को लेकर सोचेगी और विचार करेगी कि शहनाज ये सब ठीक कर रही हैं या गलत। आपको क्या लगता है, शहनाज अब भाऊ की बात सुनकर दोबारा सिद्धार्थ को हर्ट करेंगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की बिग बॉस से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब और यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पर आई कोई भी इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।